सॉरी धर्मपाल जी, लेकिन इस बार भी आप गलत जजमेंट कर गए। जैसे जगत भाई साहब के मॉल बनाने के डिसीजन को लेकर कर रखी है, इसलिए मैं आज मॉल बनाने के पेपर्स पे आपके साइन लेके आपकी वो गलती ठीक करने आया हूं। हो गया मॉल बनाने का प्रपोजल पास, ये मैं रख लेता हूं। चक्रम बेटा चाय। अरे वो चक्रम नहीं विक्रम है, और वो भी पहले वाला विक्रम नहीं है, अभी समझदार जिम्मेदार है। चाय। नहीं आंटी, अभी जल्दी मिलूं फिर कभी। ओके अंकल, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी, बाय। ठीक है बेटा, ओके। क्यों हो गया बहन? ना सुबह से तो बुलबुल की तरह चहक रही थी, अब अचानक से ऐसे चुई मुई की तरह मुरझाई हुई सी क्यों है? अरे किसने चू लिया मेरी चुई मुई को? रियलिटी ने आज फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ है कि सारे लड़के ना इडियट ही होते हैं। अकल इनकी चींटी जितनी होती है और ईगो होता है एलिफेंट जितना बड़ा। इन सारे लड़कों की ना सुबह शाम कायदे से सुताई होनी चाहिए, बातों से तो इनका कुछ ना होने वाला। अरे बस कर दे बहन, ना तू तो मेरी जुबान बोल रही है बहन, ना मेरे जैसी इतनी स्मार्ट इंटेलिजेंट छोरी तुझे यो रियलिटी रियलाइज ना करवा पाई, ऐसे कौन से इडियट छोरे ने करवा दी? वो मैं यू यहाँ क्या कर रहे? कहाँ जा रही है? ना तेरा माल लव लेटर छोड़ के गया है क्या तेरे लिए? यू के रेस जीतने वाला छोरा है विक्रम, मैं तो उसे गधा समझ रहा था। अरे मैंने तो पता भी नहीं चला कि मेरे अलावा भी हाथी बाजार की भड़ाई का इतना कोई सोच सकता है। ना भाई साहब, आपको तो ये छोरा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी आपने दर्द सारे पेपर साइन करके दे दिए उसे। रे सुबह का भूला था वो छोरा, शाम को घर आया मैंने माफ कर दिया। कौन था ये छोरा और के साइन करा के ले गया आपसे? ले फिर भूल गई। वो विक्रम था, भटका हुआ नौजवान जो सही रास्ते पर आ गया और मेरे हाथों बहुत बढ़िया काम करा गया। हाथी बाजार में बाकी सारे आंख मूंद कर साइन करेंगे टॉयलेट रिनोवेशन के पेपर्स पर। रिनोवेशन के पेपर्स साइन कराए तो फेंक के कैसे चला गया? आज ही मुझे चैलेंज किया और आज ही वो साइन। कुछ तो गलत हुआ है यहाँ। क्या कर रही है, कहाँ जा रही है? बाद में बताती हूँ। ए रुक, ए सुशीला, क्यों हो गया उसको? तो इसको माल कुछ बवाल कर गया दिखे। ये क्या बोल रही है? कुछ नहीं पापा जी। अरे तू कहाँ जा रही है? भेड़ के पीछे। अरे ऐसी कहाँ आग लग गई? आग लग गई कहाँ? दुकान, दुकान में। दुकान में? ये कह रही है? दुकान, वो फोटो कॉपी की दुकान में, हम नोट्स भूल गए, बहन भी वही लेने गई है, मैं भी वही लेने जा रही हूँ। जान निकाल दी इसने तो। नोट्स का बड़ा वजन हो गया आजकल, दो दो मुस्तंडी छोरिया गई थी जरा से कागज उठाने के लिए, देर कैसे हो गई? नक्की हो गया अब? अरे क्या गलती कर दी? सुशीला क्या हो गया इसे, कि क्यों रो रही है? अरे क्या गलती हुई बता तो दे, मैं कुछ ना कहूंगा। अब पापा जी गलती गरिमा से ना हुई है, आपसे हुई है। यो कागज जो विक्रम साइन करा के गया था आपसे, यो कागज काटेलाल एंड सन्स को सरेंडर करके मॉल बनाने के कागज है। आपने अपनी दुकान जगत सेठ को गिफ्ट कर दी है पापा जी।
देखा भाई साहब, मैं कह रही थी ना कि कैसे वो छोरा धड़ धड़ सारे कागजों पर साइन करा के ले गया आपसे। अरे ये हो ही ना सकता, मैंने अपने दिद्दों से पढ़े थे कागज। पर आपकी आंखें तो धोखा खा गई पापा जी, नोटों की गड्डी में सिर्फ ऊपर वाला नोट असली था। क्या कह रही है छोरी तू? सिर्फ ऊपर वाला कागज टॉयलेट के रेनोवेशन का था, नीचे वाले कागज पे लिखा था कि मैं अपनी दुकान काटेलाल एंड सन्स मॉल बनाने के अच्छे काम के लिए सरेंडर कर रहा हूँ। वो विक्रम भी जगत के साथ मिला हुआ है पापा जी। देख लो भाई साहब, अब जब भी आप अपना हाथ उठाते हो ना तो पता चल जाता है कि अपनी जायदाद किसी न किसी के नाम लिख रहे हो। मेरे मन में शुरू से ही खटका था, मैंने पहले से ही लग रहा था ये विक्रम आदमी ठीकड़ा है। मैंने अपने दिल की सुननी चाहिए थी, इतना बड़ा धोखा अपना बच्चे भाइयों, गर्दन दबोच लूंगा मैं उसकी। ना यो काम तो आपकी छोरी ने कर दिखाया पापा जी, सीधा वही से आ रही है गरिमा आपके सीने से लग के रोने के लिए। हाँ मेरी तरफ ना देखो पापा जी, आज गरिमा ने भरे बाजार में जो इज्जत उतारी है ना विक्रम की, उसकी पोल खोल के जो ढोल बजाया ना उसका, कि उसकी आंखों में जरा सी भी अगर शर्म बची होगी ना तो दोबारा कदम ना धरेगा वो हाथी बाजार में। ना इसलिए इतने सवाल जवाब कर रही थी उस दिन कि मॉल क्यों ना बन रहा है, मॉल क्यों ना बन रहा। तुझे पता था ना कि विक्रम के मन में कुछ चल रहा है। ना पहलवान बनने की बजाय मैंने बता दिया होता ना, मैं भी उसकी उच्च हरकत के लिए तैयार रहता। मेरे घर में घुस के मन ही उल्लू बना गया छोरा। पता नहीं अब हाथी बाजार वाले क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, इतनी आसानी से बेवकूफ बन गया धर्मपाल। इसके बाद पता नहीं वो मुझ पर विश्वास करेंगे भी या नहीं। ना इसी बात पे ना मम्मी, ये लो और सुताई कर दो गरिमा की। ना पापा जी के रिप्रेजेंटेटिव तो आप ही हो ना मम्मी, तो आप ही कर दो। पापा जी का तो हाथ टूटा हुआ है तो उनकी दिल की तमन्ना ना आप ही पूरी कर दो। लो ना छोरी होके अपनी दुकान बचाने के लिए ऐसे कैसे लड़ गई गरिमा, इसको तो पहले सब कुछ देख कर सुन कर समझ कर फिर चिल्लाना चाहिए था फौज कि पहले ना मुझे यो मैटर अपने पापा जी को समझाना है, और फिर हाथी बाजार वाले तो इसकी बात सुनकर फौज हो ही जाते। नहीं ना लो मार लो, गलती तो गरिमा की है ना। दिमाग खराब हो गया है तेरा। हाँ जो गरिमा ने किया वो ठीक था, लेकिन जो तेरे पापा जी कह रहे हैं वो भी गलत ना है, क्योंकि छोरियां होके ये गुंडे बदमाशों के मुंह लगना सही बात है क्या? और जो भाई साहब ने बिना पढ़े कागज साइन कर दिए वो क्या है जीजी? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।